तो दोस्तों, क्या आपके पास में जो वोटर आईडी कार्ड है वो पुराना है, ब्लैक एंड व्हाइट वोटर आईडी कार्ड है? क्या आपका वोटर आईडी कार्ड पूरी तरह से खराब हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपको भी जो है कलर पीवीसी वोटर आईडी कार्ड मिल जाए? तो आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मात्र 10 मिनट के इस प्रोसेस से आप जो है अपने वोटर आईडी कार्ड को कलर्ड पीवीसी वोटर आईडी कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपके मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में जो है वोटर्स पोर्टल को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। इसका लिंक आपको जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाता है, जो कि नेशनल वोटर पोर्टल का नया इंटरफेस पेज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइनअप का। अब अगर दोस्तों, अगर आप जो है पहली बार यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको जो है साइनअप करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप साइनअप वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इस वाले कैप्चा को आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और आप जो है अपना यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, उसके बाद आप जो है वेरीफाई एंड सबमिट ओटीपी करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट ओटीपी करते हैं तो आपको जो है एक यहां पर पॉपअप दिखाई देगा, आपका जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब आप यहां पर अपना यूजर आईडी डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, पासवर्ड जो क्रिएट किया आपने डालेंगे, इस वाले कैप्चा को यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। एक बार फिर से आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ये वाला जो ओटीपी है लॉगिन ओटीपी होता है, तो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शिफ्टिंग रेसिडेंस एड्रेस करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो आपको सिंपली इस वाले फॉर्म को, मतलब फॉर्म नंबर 8 को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद का करना चाहते हैं तो आप सेल्फ वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आप जो है अपने फैमिली मेंबर का करना चाहते हैं तो अदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल्फ एंड अदर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जो है सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ईपिक नंबर, मतलब जो वोटर आई डी कार्ड नंबर होता है, उसको डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपके पास में फटा पुराना वोटर आई डी कार्ड है उसका नंबर आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है ना। अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो उसका भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर, किस लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इशू ऑफ द रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी, आप इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, मतलब कंप्लीट फॉर्म का आपको रिव्यू दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, सबसे नीचे आपको चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको जो है प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्लेस में अपने गाँव का नाम लिख देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर इशू रिप्लेसमेंट, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रॉय वाले सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप लॉस्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको जो है FIR की कॉपी अपलोड करनी होगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली चूज करना है सेकंड वाले ऑप्शन को कि हमारा वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्लेस डालेंगे, प्लेस डालने के बाद आपको जो है इस वाले फॉर्म को यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा, इस वाले कैप्चा को आप बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद आप रिव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रिव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपके सामने आपके कंप्लीट फॉर्म का मतलब फॉर्म नंबर 8 का रिव्यू आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको सबमिट कर देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप सच में सबमिट करना चाहते हैं, आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। अब आप जो है इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपका जो वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहां पर आपको जो है ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड में एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है ना। हम सिंपली यहां पर इसको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आपको जो है अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस ट्रैक करना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहां तक पहुंचा है, प्रिंटिंग प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहीं पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, तो यहां से आप जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप यहां पर इस प्रोसेस को कर देते हैं तो आपको जो है 15 से 20 दिन के अंदर आपके पोस्टल एड्रेस पर जो वोटर आईडी कार्ड है बाय पोस्ट आपको भेज दिया जाता है। अब दोस्तों ये प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने ब्लैक एंड व्हाइट वोटर आईडी कार्ड को कलर्ड पीवीसी वोटर आईडी कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।